हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बिना मेहनत के झटपट से मार्केट स्टाइल अनरसा बनाएंगे। और ये देखिए, अनरसा हमारा ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बना है। और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल है। आप इसे बिना मेहनत के मात्र 10 से 15 मिनट में इजीली बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अनरसा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। बिना चावल भिगोए, बिना मैदा, बिना चावल के पाउडर के आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल परफेक्ट अनरसा बनाएंगे। इस तरीके से अनरसा बना करके आप इसे स्टोर करके भी 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं, अगर बच गए तो। इस अनरसे को आप व्रत में भी इजीली बना के खा सकते हैं और आप इसे त्योहार में भी बना करके रख सकते हैं। और चलिए अब हम पैन में 1/2 कप या आधा कटोरी चीनी डालेंगे। और ये देखिए, पैन गरम है तो चीनी हमारा मेल्ट होने लगा है। और इसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी चीनी में डाला है। चीनी में पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, जिससे पानी हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा और चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हमें चीनी का चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ उसे मेल्ट करना। चीनी और पानी को हम अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे चीनी पानी में अच्छे से मिल जाएगा और ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए, चीनी पानी अच्छे से मिक्स हो गया है और मेल्ट भी हो गया है। हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से अनरसे हमारे अंदर से सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और खस्ता बनेंगे। घी आपको पसंद नहीं है तो आप घी स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह बटर या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बटर ऑयल के बिना भी इस अनरसे को इजीली बना सकते हैं। और अब हम इसमें 1 कप या 1 कटोरी सूजी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल उपमा या हलवा बनाने वाला सूजी लिया है। सूजी आपका मोटा हो या बारीक हो, आप दोनों तरह के सूजी से इस अनरसे को इजीली बना सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से पानी में मिला लेंगे, जिससे पानी सूजी को अच्छे से सोख लेगा। और अनरसा बनाने के लिए हमारा सूजी का डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, जिससे अनरसा बनाने के लिए सूजी का डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बनेगा। यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी में 1/2 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अनरसा बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम सूजी को दूसरे प्लेट या थाली में निकाल लेंगे, जिससे सूजी हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। सूजी के डो को थाली में निकाल करके हम इसे इस तरह चम्मच से फैला लेंगे, जिससे सूजी का डो हमारा बिल्कुल जल्दी ठंडा होगा। और ये देखिए, सूजी का डो हमारा ठंडा हो गया है। और अब हम इसे साफ हाथ से इस तरह चलाते हुए अच्छे से गूंद लेंगे और चिकना कर लेंगे, जिससे अनरसा हमारे बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल बनेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हाथों से हम अच्छे से डो को गूंद लेंगे या चिकना कर लेंगे। डो को हम 1 से 2 मिनट के लिए हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। और ये देखिए, डो हमारा सूजी का बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। सूजी के डो को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। और चलिए अब हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने लड्डू के साइज में सूजी का डो लिया है और हम इसे इस तरह हाथों से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी छोटे छोटे तोड़ करके बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैं एक और बॉल्स बना के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम और भी बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने 6 बॉल्स बना के तैयार कर लिया है। और अब हम 1 कटोरी में 2 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे और 1 सूजी का डो लेंगे। डो लेकर के हम इसे हाथों पे गोल घुमाते हुए फैला लेंगे। और अब हम इसे तिल में डालेंगे। तिल में डालकर हम इसका 1 साइड पे तिल लगा लेंगे। और अब हम थाली में तिल लगा हुआ भाग को
रख करके इसे अच्छे से हाथ के फिंगर से इस तरीके से फैला लेंगे। और ये देखिए हमारा अनरसा बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से मैं आपको एक और अनरसा बना के दिखाती हूँ। एक बॉल लेंगे और इसे हाथों पे इस तरह रोल कर लेंगे और फैला लेंगे। और सेम तरीके से हम अनरसा के एक भाग में तिल लगा लेंगे और फिर से इसे प्लेट में रख कर के फिंगर से अच्छे से फैला लेंगे और इसे अनरसा का शेप देंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा भी अनरसा बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से हम बाकी बचा हुआ बॉल्स का भी अनरसा बना लेंगे। अनरसे को आप खसखस या पोस्तू दाना से भी बना सकते हैं। और चलिए हम खसखस या पोस्तू दाना से अनरसा बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने एक चम्मच खसखस लिया है। और अब हम सेम तरीके से ही अनरसा के एक भाग में पोस्तू दाना लगाएंगे। पोस्तू दाना लगाकर सेम तरीके से हम इसे भी थाली में इस तरीके से फिंगर से फैला लेंगे। और ये देखिए पोस्तू दाना का भी अनरसा हमारा बनके तैयार हो गया है। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे आप उस फ्लेवर से अनरसा इजीली घर पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे तिल वाले ज़्यादा अनरसा बनाऊँगी और खसखस वाला मैंने आपको बताया है कि आप खसखस वाला अनरसा भी सेम तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए खसखस वाला हमारा दूसरा अनरसा भी बनके तैयार हो गया है। और अब सेम तरीके से हम बाकी बचे डो का भी अनरसा बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे अनरसे बना के तैयार कर लिए हैं। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेकर के गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। अनरसा फ्राई करने के लिए हम इसमें तेल डालेंगे। अनरसा फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने रिफाइंड कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें, अनरसा हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। अनरसा फ्राई करने के लिए हम एक सूजी का बॉल लेंगे और इसे तेल में डालेंगे। तेल में डाल करके हम इसे फ्राई होने देंगे। और ये देखिए बॉल हमारा ऊपर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया है। और अब हम एक एक करके सारे अनरसे को तेल में डालेंगे। अनरसा फ्राई करते समय तिल वाले भाग को हम पलट कर डालेंगे, जिससे तिल ऑयल में निकलेगा नहीं। इस तरीके से आप अनरसा को फ्राई करेंगे तो आपके तिल ज़्यादा ऑयल में नहीं निकलेंगे। और अनरसा डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और ये देखिए अनरसा यहाँ मैंने डाल दिया है। कढ़ाई में एक बार में जितने अनरसे फ्राई होंगे आप उतना ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। अनरसे को गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए अनरसा हमारे एक तरफ से सिक गए हैं। हम इसे हल्के हाथों से पलटते हुए दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे। अनरसा हमारे सिक गए हैं, लेकिन अभी इसमें कलर नहीं आया है। इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, जिससे सूजी के अनरसे में जल्दी कलर आएगा। और अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही कंटिन्यू इसे फ्राई करेंगे तो आपके अनरसे बहुत ही हार्ड और सख्त बनेंगे। और ये देखिए अनरसे में अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। हम इसे पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे या सेक लेंगे। अनरसा फ्राई करते समय बीच बीच में आप गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, जिससे अनरसा हमारे अंदर से भी अच्छे से सिक जाएंगे और ऊपर से भी अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए अनरसा हमारे बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने अनरसा को ऑयल में से निकाल करके इस तरह के जाली वाले छन्नी में डाला है। छन्नी में इस तरीके से डालने से अनरसा का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों मात्र 15 मिनट में हमारा अनरसा बिल्कुल बाजार जैसा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से तेल में हम बाकी एक एक करके सारे अनरसे को डाल करके इसे भी अच्छे से हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आप इस तरीके से अनरसा बनाएंगे तो आपके घर वाले के साथ साथ मेहमान भी तारीफ़ करेंगे
और पूछेंगे कि आपने ये अनरसा कैसे बनाया या कहाँ से मंगाया। तो फेस्टिवल हो या व्रत हो या जब भी आपका कुछ स्पेशल मीठा खाने का मन हो, तो आप इस तरीके से फटाफट से अनरसा घर पे बनाएं। बच्चे हो या बड़े या आपके मेहमान, सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और इस तरह अनरसा आप घर पे बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस फेस्टिवल आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ अगले रेसिपी में।